स्टैंडर्ड 4 ईवीएस लेसन नंबर 4 वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पीने का पानी। बच्चों इस लेसन में आज हम कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं। बच्चों ये है सॉल्ट यानी नमक और ये है शुगर यानी शक्कर। इस लेसन में हम लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। अब यहाँ पर हमने सॉल्ट लिया और इसे पानी में डाला। ये पानी में हल हो गया यानी डिजॉल्व हो गया। अब इसी तरह हम लोग दूसरे ग्लास में शक्कर लेते हैं और इसको भी पानी में डालते हैं। बच्चों कुछ देर बाद ये शक्कर भी पानी में हल हो जाएगी यानी डिजॉल्व हो जाएगी। इससे हमें क्या समझ में आता है कि कुछ चीजें पानी में डिजॉल्व हो जाती है, हल हो जाती है, जैसे नमक है, शक्कर है, सर्फ इस्तेमाल करते ना वॉशिंग पाउडर, वो तो वो पानी में क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, डिजॉल्व। और कुछ चीजें पानी में डिजॉल्व नहीं होती है। देखो बच्चों ये है सैंड यानी रेत। अब हम इसको पानी में डालते हैं। मैं इसको अभी हिला रही हूँ। देखो बच्चों ये पानी में घुल ही नहीं रही है, डिजॉल्व ही नहीं रही हो रही है। कितना भी अगर मैं इसको थोड़ा और लेके डाल के देखने की कोशिश करते हैं, नहीं ये भी नहीं हुई। ठीक है, यानी रेत या सैंड पानी में डिजॉल्व नहीं होती, हल नहीं होती। अब ये है ऑयल, तेल। जिस तरह से नमक और शक्कर पानी में पूरी तरह घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन ये ऑयल इस तरह से नहीं होता है। तो जो पानी में ये चीजें नहीं मिल रही है, नहीं घुल रही है, तो इसे कहते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि ये डू नॉट डिजॉल्व है, यानी ये डिजॉल्व नहीं होती है। रेत है, तेल है और ऐसी बहुत सी चीजें जो पानी में डिजॉल्व नहीं होती बल्कि वो इसी तरह रहती है। इसी तरह बच्चों अगर किसी को दस्त और कह यानी मोशन और वॉमिट होने लगे तो हम लोग इसका एक सॉल्यूशन बनाते हैं, एक महलूल बनाते हैं। थोड़ा सा नमक, उसमें थोड़ा सी शक्कर शुगर, इसके बाद में जो हमारे ये जूस बना, आप लोग उसको जूस भी कह सकते हैं, जो पानी बना है उसे कहते हैं ORS, ORS वाटर यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसे उर्दू में कहेंगे या हिंदी में कहेंगे जल संजीवनी। जल का मतलब है पानी और संजीवनी एक तरह की जड़ी बूटी होती है। तो इसका पानी अगर जिसको भी दस्त हो रहे है, वॉमिट हो रही है, तो ये पानी अगर पिला दिया जाए तो उसकी वॉमिट और दस्त बंद भी हो जाते हैं और इसके जिस्म में पानी की कमी भी नहीं होती है। तो इस लेसन में हमको ये भी चीज याद रखनी है बच्चों कि जब भी ऐसी कोई बात घर में हो जाए तो आपको आगे बढ़कर ये बात जरूर बतानी अपनी अम्मी और अब्बू को।